हाय स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में ओलंपियाड में जो मेन टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो हैं ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के बाद पॉलीगन्स एंड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वेरी इंपॉर्टेंट। सर्कल्स एंड रिलेटेड थ्योरम्स विद सर्कल्स। सो वी विल स्टार्ट विद ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैंने 8 सब टॉपिक्स में डिवाइड किया है। देन टॉपिक नंबर 1 इज साइड्स एंड एंगल्स। Then we will study about Pythagoras theorem and applications. Then we will study about area of triangle and its applications. Then congruent triangles, similar triangles. Similarity is very important concept in geometry. Then midpoint theorems, some miscellaneous theorems like Sivas theorems, etc., Menlieu's theorem, etc. And then centers of triangle, centroid, circumcenter, orthocenter, and their related concepts. तो ये सब हमें पढ़ना है। सो तरीका हमारा ये रहेगा कि मैं आपको इस टॉपिक के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, देन हम 5 to 6 एग्जांपल्स उसी वीडियो में देखेंगे, एंड देन आई विल बी शेयरिंग यू अराउंड 10 क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन। उन 10 क्वेश्चंस को आप करेंगे तो आप मान सकते हैं कि वो जो कॉन्सेप्ट है वो आपने उस पर ग्रिप बना ली है। साइड्स एंड एंगल्स, ट्राइंगल्स का हमारा फर्स्ट टॉपिक है साइड्स एंड एंगल्स। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स एंड सम ऑफ इनइक्वालिटीज, सम ऑफ द इनइक्वालिटीज इन ट्राइंगल। सबसे पहले हम ट्राइंगल को डिफाइन कर लेते हैं। ट्राइंगल हैज 3 साइड्स एंड 3 वर्टिसेस, 3 एंगल्स। ए बी सी इज अ ट्राइंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। एंगल ए बी सी का सम होता है 180 डिग्री। आई विल प्रूव, यहाँ पे भी इसे प्रूव करते हैं। उसके बाद ए के ऑपोजिट वाली साइड स्मॉल ए, बी के ऑपोजिट वाली स्मॉल बी, सी के ऑपोजिट वाली स्मॉल सी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इन ट्राइंगल इज सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्राइंगल में हमेशा 2 साइड का सम, 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। ऐसा क्यों होता है? अगर मान लीजिए 2 साइड का सम तीसरी साइड के बराबर होगा तो वो बीच में ही लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखो, दिस इज ए सी, ए सी इज बेसिकली बी, ये बी है, सी बी इज सी एंड ए बी इज ए, तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ट्राइंगल जब भी बनेगा तब 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये आपको इनइक्वालिटीज में भी काम आएगा, तो इसको याद रखें। अगर मैं यहाँ से एक साइड को दूसरी साइड ले जाऊँ, लेट से अगर मैं इसको लिखता हूँ, अगर मैं इस बी को उधर ले जाता हूँ तो मेरे पास बनेगा a माइनस बी इज लेस देन सी। तो डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज लेस देन द थर्ड साइड। डिफरेंस ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। बोथ ऑफ देम आर बेसिकली द सेम थिंग। यहां पे हमने सम को तीसरी से बड़ा किया है तो नेचुरली 2 का डिफरेंस तीसरी से छोटा होगा। उसके अलावा इसका जो सर्कम सर्कल होगा, जो सर्कल इसके ऊपर से बनेगा ऐसे, उसकी रेडियस को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका जो इन सर्कल होगा, जो सर्कल इसके अंदर बनेगा, उसकी रेडियस को हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, उसे इन रेडियस बोलेंगे। एंड सेमी पेरीमीटर इज बेसिकली द सम ऑफ 3 साइड्स बाय 2, a प्लस बी प्लस सी बाय 2 इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर। ओके, सो दिस वाज पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट इज सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन n साइडेड पॉलीगन इज n माइनस 2 इंटू 180। आपके पास कोई भी n साइडेड पॉलीगन है उसके इंटीरियर एंगल्स का सम, इनको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, इसकी वैल्यू होती है n माइनस 2 इंटू 180। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक ट्राइंगल है तो n की वैल्यू होगी 3 माइनस 2 इंटू 180। अगर आपके पास ट्राइंगल से बड़ा है कोई, लेट से क्वाड्रिलेटरल है, तो उसकी वैल्यू होगी 360। इस तरीके से आप इंटीरियर एंगल्स का सम निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसका प्रूफ है। मैंने माना कि ये हमारे पास कोई n साइडेड पॉलीगन है जिसको, जिसके वर्टिसेस को मैंने a1, a2 अप टू an लिख दिया। इन सबको मैंने एक आर्बिट्ररी इंटीरियर पॉइंट से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये जो पॉलीगन है दिस इज कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब होता है, कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब होता है जिसमें एक्सटीरियर एंगल जो बनेंगे वो ऑब्ट्यूस होंगे। ओके, अब अगर मैंने इंटीरियर में कोई भी पॉइंट लेके इसे ज्वाइन कर दिया है तो आई विल हैव टोटल n ट्राइंगल्स। कुल मिला के मेरे पास n ट्राइंगल्स आएंगे, आप देख सकते हो। एंड उन एंगल्स को मैंने ऐसे 1, 2, 3 अप टू इस तरीके से मार्क कर दिया है, राइट। दिस इज 2n माइनस 1 और ये 2n होगा।
अब अगर आप इन सब को ज्वाइन करो, अब देखो अगर आपके पास इन एन ट्राइंगल्स को ज्वाइन करो, हमें निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड 1, 2, 3 अप टू 2n, हमें इन एंगल्स का सम निकालना है। 1, 2, 3 अप टू 2n को मैं से सिग्मा लगा के लिख रहा हूं, दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है। तो हम देख सकते हैं कि अगर आप इन ट्राइंगल्स को प्लस ये इसको सम करें, ये वाला जो एंगल है आपको मालूम है एंगल इन ए सर्कल इज 360, तो रिक्वायर्ड वैल्यू प्लस 360 इज इक्वल टू एन इंटू 180, बिकॉज इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तो एक का 180 होगा, एन का होगा एन इंटू 180, ये 360 उस तरफ जाएगा तो एन माइनस 2 इंटू 180। सो हमें अभी हमने देखा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का जो सम है वो एन माइनस 2 इंटू 180 होता है। तो अगर उसी प्रॉपर्टी को हम आगे बढ़ाएं तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम इज 360, एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 होगा। अब एक्सटीरियर एंगल ये भी ऑब्वियसली किसके लिए है, कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए। एक्सटीरियर एंगल कौन से एंगल होते हैं, अगर मैंने ये पॉलीगन बनाया तो इस लाइन को मैंने ऐसे एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से, इन लाइंस को अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये जो एंगल बनेंगे 1, 2, 3 अप टू एन, दीज आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल्स। हमें ये प्रूव करना है कि 1, 2, 3 अप टू एन इज 360, राइट। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि 1 और 1' का सम 280 होगा, सॉरी 180 होगा, 2 and 2' का सम भी 180 होगा, इसी तरीके से n और n डैश का सम भी 180 होगा। और हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 1', 2', 3' इन सब का सम होता है n माइनस 2 इंटू 180। तो बड़ा सिंपल सा काम किया, इन सब इक्वेशंस को हमने ऐड कर दिया, इनको ऐड करने से मेरे पास ये इक्वेशन आएगी, सिग्मा आई आई इज इक्वल टू 1 to n प्लस सिग्मा आई डैश आई फ्रॉम 1 to n इज इक्वल टू n टाइम्स 180, क्योंकि आप 180 180 को n टाइम्स जोड़ रहे हो। एंड अभी हमने देखा था कि i डैश का जो सम होगा वो होगा n माइनस 2 इंटू 180, अब n माइनस 2 इंटू 180 को इसमें पुट करेंगे तो आपके पास 2 इंटू 180 आ जाएगा जो कि 360 होगा। तो एक्सटीरियर एंगल्स का सम इज ऑल्सो 360, जो कि आपको ध्यान रखना है। अगली प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल में जो साइड बड़ी होगी उसके ऑपोजिट एंगल भी सबसे बड़ा होगा, जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके ऑपोजिट वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी। आप सोच सकते हैं जैसे राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में आपने देखा है कि 90 डिग्री इज द बिगेस्ट एंगल राइट एंगल ट्राइंगल में, अगर 90 डिग्री सबसे बड़ा एंगल है तो आप देख सकते हो कि उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज भी सबसे बड़ा होता है। तो यहां पे यही लिखा हुआ है, फॉर ए ट्राइंगल ऑपोजिट साइड ऑफ ए बिगर इंटीरियर एंगल इज लॉन्गर देन दैट ऑफ स्मॉलर एंगल, ठीक है। तो हमने यहां पे एक एग्जांपल लिया, मैंने इस एग्जांपल में ये दिखाने की कोशिश करी है कि एंगल सी सबसे छोटा है, उसके बाद एंगल ए है और एंगल बी सबसे बड़ा है, तो उनके ऑपोजिट वाली साइड भी उसी रेशियो में होंगी, उसी इनइक्वालिटी में होंगी, सी के सामने ए बी सबसे छोटी होगी, ए के सामने वाली बी सी उससे बड़ी और बी के सामने वाली ए सी सबसे बड़ी। इसको आप एक और भी चीज लिख सकते हैं, इफ वी हैव टू ट्राइंगल्स इसमें अगर मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश एंड बी सी इज इक्वल टू या ए सी इज इक्वल टू ए डैश सी डैश, राइट। आपके पास दो ट्राइंगल्स हैं जिनमें ये दो साइडें इस तरीके से बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं मैंने दो ट्राइंगल इस तरीके से लिए हैं कि उनकी ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके इक्वल है, तो मैं कह सकता हूं कि BC will be less than B'C' if and only if angle A is less than angle A'। अगर A A' से छोटा होगा तो उसके सामने वाली साइड भी उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाली साइड से छोटी होगी। ये बिल्कुल इसी का ही एप्लीकेशन है, अगर ये दोनों साइडें बराबर हैं तो अगर ये एंगल इस A is smaller than A' तो उसके सामने वाली साइड भी छोटी होगी, अगर सामने वाली साइड छोटी है तो एंगल भी छोटा।